हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम और मैं सो के उठ गई। और अभी कितना बज रहा है मौसम? छोटा ही, अभी 6:23 हो रहे हैं और अभी हम लोग उतरेंगे। उतरने का तैयारी कर रहे हैं जीजा जी, मतलब सारे सामान को वहाँ पास गेट के पास ले जा के रख रहे हैं। और रात को जब मैं सोई थी तो मेरे साथ खाली पाऊंगी। अभी मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ वो अपने दीदी के फ़ोन से बना रही हूँ। हाँ, मैं ऊपर में सोई थी और फ़ोन को साइड में रख के सोई थी, तो मेरा फ़ोन गिर के और पूरा इसका अंदर का डिस्प्ले जो है वो टूट गया, कुछ काम नहीं कर रहा है। बस साइड में एक बार लाइट जल रहा था, अभी तो वो भी नहीं जल रहा है, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है। मतलब अंदर का डिस्प्ले इसका पूरा जा चुका है, तो इसको चेंज करवाना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ हानि हो ही रहा है हम लोग के साथ। और मैं ब्लॉग भी एडिट करके रखी हुई थी, बट अभी डालूंगी कैसे क्योंकि फ़ोन चल ही नहीं रहा है। चलता तो डालती ही अभी, तो अभी मैं दीदी के फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ सूची के। तब तक दीदी के फ़ोन से कर लेती हूँ, मेरा फ़ोन जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं। अभी ऑन भी नहीं हो रहा है। बाबू, क्या क्या लेके आ गया तुम? बिस्किट। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर स्टेशन। फिर यहाँ से एक ट्रेन है, अभी आएगा 7:30 में आएगा, 7:30 या 7:35 में आएगा, तो बैठ के जाना है फिर औरैया स्टेशन। उसके बाद वहाँ से फिर टेम्पू या ऑटो जो भी मिलेगा उससे जाना है ये दिव्यापुर। पहुँच जाएंगे अपना रूम। बाबू बोलो कुछ। मेरा बिस्कुट खा रहे। सो गाइस, तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग कपूर स्टेशन और यहाँ से हम लोग जाएंगे हम सबको बैठ गए हम लोग। यहाँ निकल के आराम से घूमे हाँ, पहले भी कई बार ले जाते हो, मैं भूल गया। आप खोल कर दिया, बस को वापस पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी। कैसा लगा मौसम? है बच्चा पढ़ने। हाँ, इधर कॉफी हाउस, मतलब खाना पीना खाया ना। सब उजड़ गया है पूरा।
मस्त लग रहा था। उधर अब इधर इधर मंदिर, घर पे घूमा है सब, उधर मंदिर, इधर जीजा जी अखिल रोल कॉल खाते राम कर दिए। परेड ग्राउंड अरे वहाँ पे ड्यूटी लग बच्चों तो सब यहीं पढ़ सकते हैं। बाहर जाए थे निकल के बाहर अभी हम लोग चले रूम। सो गाइस तो वहाँ से आने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, खाना वाना खा के रेस्ट किए। उसके बाद मेरा जो फ़ोन टूट गया है तो उसके लिए मेरे पति उधर पता किए कि मतलब कितना पैसा लगेगा बनवाने में, तो उसको बनवाने में 6,000 बोल रहा है दुकान में, 6,000 तक लग जाएगा ओरिजिनल वाला। और डुप्लीकेट वाला लगाने से मतलब शायद 2,000-3,000 में हो जाएगा, लेकिन जो उसका क्या बोले फिंगरप्रिंट रहेगा वो नहीं लगेगा, और उसमें वीडियो वगैरह का क्वालिटी लो दिखाएगा, बट रियल में अपलोड करने के बाद लो नहीं रहेगा, बट मेरे को दिखाएगा लो कुछ इस टाइप का। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब वो फिर अच्छा नहीं रहेगा, फिर हमको सही नहीं लगेगा ओरिजिनल वाला लगवाने का। तो अभी देखते हैं उधर इधर क्या है, इधर कितना प्राइस बोल रहा है और कैसे क्या है। और यहाँ पे आने के बाद मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरा फ़ोन जो गिर के टूटा उसके इतना मतलब दुख है मुझे, मतलब इस वजह से जब तक अब बनेगा नहीं फ़ोन मैं ब्लॉग वगैरह भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ अभी तक। फ़ोन वगैरह बनेगा उसके बाद फिर मैं ब्लॉग को अपलोड करूँगी। तो अभी जा रहे हैं जिया जी और मैं, देखते हैं क्या कंडीशन होता है उसे, कैसे कैसे क्या होता है, और सारा कुछ का ब्लॉग मैं डालूंगी, यहाँ का भी डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मूड सही नहीं होगा, उसके बाद फिर डालूंगी। तो फ़ोन बन जाएगा उसके बाद सब सही हो जाएगा, उसके बाद डालूंगी। तो पता नहीं कैसे गिर गया, बहुत ख़राब रहता है। अभी मैं दीदी का ही फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बट इसको भी डाल भी नहीं पाऊँगी, मेरा फ़ोन आएगा फिर उससे मैं एडिट करूँगी तब मैं डालूँगी। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, चलते हैं फिर हम लोग। बाबू दिखा 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 तेरा मुंह दिखा।
लोग जा रहे हैं जा सको नहीं हाँ हेलो गाइस लोग जा रहे हैं बच्चे सो गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क घूमने के लिए थोड़ा सा टहलने के लिए हाँ नाइट वॉक के लिए करे तो चलिए पापा मौसम कहाँ है मौसम